प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा राजीव भवन में चुनाव कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां मैराथन बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा के ऊपर बड़ा हमला किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी ट्रेन नहीं चला पा रही, लगातार ट्रेनें रद्द हो रही है। बीजेपी सरकार सिर्फ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रही है। सीएम ने भी कहा कि बीजेपी सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर वार करते हुए ये भी कहा कि भाजपा अब कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बोल पा रही है, कांग्रेस ही भाजपा को साफ करती जा रही है। भाजपा को कांग्रेस और राहुल से भय है। भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक की बात है, भारतीय जनता पार्टी ट्रेन ही नहीं चला पा रही, यात्री ट्रेनें सारे रद्द। ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें मीडिया में ये न छपता हो कि फलाना ट्रेन रद्द हो गया। तीज का समय भी निकल गया, अब लगातार त्यौहार भी आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं, जिसमें आम जनता बैठ ही नहीं पाते, इतना किराया रहता है। जो आम जनता जिसमें यात्रा करते हैं वो सारे ट्रेन रद्द हो रहे हैं या विलंब से चल रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दौर में लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे केरोसिन हो, चाहे खाद्य पदार्थ हो, दाल हो, तेल हो, सबकी कीमतें बढ़ रही है। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी मौन है। तो एक तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार होने के कारण से महंगाई की मार झेल रहे हैं और यात्री ट्रेन के विलंब और रद्द होने से परेशान हैं। सर, ये मोदी जी कल वो तो सोते, मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत, अब वो लाइन बोलना बंद कर दी है। क्यों? कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करते जा रहे हैं। पहले तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किए, फिर अभी तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में किए। तो उनको भय केवल कांग्रेस पार्टी से और भय राहुल गांधी से। सर, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने सांसदों को उतार दिया है, केंद्रीय मंत्रियों को, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो तमाम लोग, इसी तरह की चर्चाएं छत्तीसगढ़ के अंदर की, क्या माना जाए, कैंडिडेट नहीं मिल रहे या इनको भरोसा नहीं है? सबसे पहली बात ये है कि जो लगातार केंद्रीय मंत्री बने हुए थे, सांसद बने हुए थे, उनको यदि विधानसभा में उतारा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। और इस वजह से भय से अपने बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं, लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है।